डॉक्टर लक्ष्मण यादव, कल आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, आज आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा राज्यसभा में, अगर आपको वक्त मिल पाया। और उससे पहले आपने राहुल गांधी को सुना, आपने अखिलेश यादव को भी सुना और तमाम विपक्ष के नेताओं को आपने सुना, जहां एक तरफ विपक्ष मुद्दों की राजनीति कर रहा है, तथ्यों पर आधारित बात कर रहा है, सरकार को जवाबदेह बना रहा है, सरकार से ये पूछ रहा है कि 10 साल जो आपने अपना राग अपनी ढपली जो बजाई है, और आज जब विपक्ष मजबूत है तो विपक्ष आपसे जनता के सवाल पूछ रहा है, उसके जवाब दीजिए। लेकिन भाषण में क्या मिलता है? भाषण में मिलता है राहुल गांधी का मजाक, उनको बाल बुद्धि बताते हैं, और बाल बुद्धि बताकर वो बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं, जिनका सबसे ज्यादा क्यूरियस माइंड होता है, सबसे ज्यादा डेवलप माइंड होता है, उनको ये कह रहे हैं कि वो बाल बुद्धि, यानी कि उन बच्चों का एक तरह से मजाक अपमान वो कर रहे हैं। कांग्रेस को कोसते हैं, इमरजेंसी की याद दिलाते हैं, 84 की याद दिलाते हैं, लेकिन अपने दौरान 2002 से लेकर अब तक जो जो घटित हुआ वो सब कुछ भूल जाते हैं। उस सब की कोई उनकी जवाबदेही नहीं है। उस सब पर अगर मणिपुर की भी बात करते हैं तो एक ये बताते हैं कि कांग्रेस ने देखिए वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया था, और अगर किसी और की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, तो कहते हैं कि चर्चा नहीं होनी थी विपक्ष ने। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़े, लोकसभा में उन्हें शोर शराबा करना पड़े अपनी बात को सुनाने के लिए, ये पूरा का पूरा जो जो पूरा सिस्टम है, इसको किधर जाता हुआ आप ये देख रहे हैं? और क्या आपको, जब ऐसे में विपक्ष मजबूत है, तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री भले ही अपनी वाहवाही कर रहे हो, लेकिन वो बहुत मजबूर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, बहुत डिपेंडेंट प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री जी पर बात करना सामान्य नहीं है, क्योंकि वो भी सामान्य नहीं है। वो अवतारी लोग होते हैं तो उनपे बात करने से डर लगता है, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो उचित करते हैं, वो गलत कभी कुछ करते नहीं। लेकिन बस दुर्भाग्य ये है कि राजतंत्र की बजाय देश में लोकतंत्र है, और देश संविधान से चलता है। भले ही इस बात को संविधान बदलने वालों को ही हमें समझाना पड़े, लेकिन जनता सबसे बड़ी होती है। अब नेता में आत्मविश्वास हो वो एक बात है, आत्मविश्वास जब अहंकार में तब्दील हो करके तानाशाही का रास्ता अपना लेता है, फैसला सुनाती है। और इस बार जनता ने जो फैसला सुनाया है उससे दिन बदल गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिन बुरे हो गए उनके, कभी आदत नहीं रही इतना मजबूत विपक्ष झेलने की। कमजोर विपक्ष मिला, गुजरात गए तो जब भी मुख्यमंत्री रहे ताकतवर सरकार चलाई, सामने विपक्ष में एक तो कोई होता नहीं, और विपक्ष अगर कोई बनता है तो फिर वो बनने नहीं दिया जाता है, उसे कमजोर, उसे तोड़ करके, उसकी आवाज दबा करके, यानी ताकत इतनी हुआ करती थी कि ये सब कभी झेला नहीं। लोकतंत्र के रास्ते राजा बन गए, लेकिन राजा ही समझ गए खुद को। जनता ने थोड़ा ये समझाया कि नहीं, जनता बड़ी होती है, और 400 पार का दावा करने वालों को भी 240 पर रोक करके सहारों की जरूरत रहती है, और सहारे से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एक ये पृष्ठभूमि है। अब इस पृष्ठभूमि में सामने ताकतवर विपक्ष है, और दूसरी बात, केवल संख्या की ताकत उसके पास नहीं है, उसके पास जनता की ताकत है। जनता के मुद्दे पर राजनीति करना इस विपक्ष ने अपना नैरेटिव सेट किया है। उसने इस देश के संविधान को अपना नैरेटिव का कोर बना दिया, और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में आरएसएस के सामने खड़ा कर दिया। अब आरएसएस देश दुनिया में अगर किसी से डरता है ना, तो वो हिंदू होने की पहचान के भीतर से जो चुनौती उसे मिलती है सामाजिक न्याय की राजनीति से, केवल उसी से डरता है। इसीलिए जब कहा जाता है कि ये बीजेपी वाले नफरती और हिंसक होते हैं, तो उनको लगता है कि पूरे हिंदू समाज को, लेकिन पूरा हिंदू समाज वही नहीं है। हिंदू होने का एक तो हिंदू शब्द का डिस्कोर्स बड़ा अलग है, और हिंदू का डिस्कोर्स ये है जिसे ये सब मिलाकर कहते हैं, उसमें कबीर भी आते हैं, उसमें षट दर्शन में पदार्थवादी और ज्ञानवादी और दर्शन आते हैं, जो विरोध करते हैं अवतारवाद का, पाखंड का, अंधविश्वास का। वहां
बाबाओं में केवल वैसे ही बाबा नहीं पाए जाते जो बलात्कार के आरोप में जेल में जाएं, हत्या के आरोप में जेल में जाएं, या बिना किसी तरह के अंधश्रद्धा फैलाते रहें और सैकड़ों लोग भगदड़ में मर जाएं। इस देश में बाबाओं का बिजनेस चलता है, देखिए ये बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि एक बाबा जो पर्ची बनाएगा, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा, उसको सरकारें इतनी पुलिस और प्रशासन का सुविधा देकर के बड़े बड़े कार्यक्रम कराती हैं, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट दिखाती हैं, बड़े बड़े एंकर उनका इंटरव्यू लेते हैं कि साहब हुजूर में नूरानी ताकत उतर गई है, ये जब पर्चा बनाते हैं तो ऐसे लगता है कि देश की सारी समस्या को निपटा देंगे। उन्हें नहीं पता होता है कि उनकी अपनी समस्या, अपने जीवन की समस्या क्या होती है। तो ये बिजनेस है, तो सरकारें इस तरह से काम करती रहती हैं। असल में जब ये सारी प्रक्रिया चल रही है तो उसमें सोशल जस्टिस का नैरेटिव जब आता है तो वो कहता है कि नहीं साहब, हिंदू होने का धर्म वही नहीं है जो आप कहते हैं। ये सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कहती है कि आपने कथित तौर पर अपने को बड़ा और बाकी लोगों को पशुवत जीवन के लिए लाचार किया, मंदिर नहीं जाने दिया, मूछ रखने पर मारा, घोड़ी चढ़ने पर मारा, उनका घर गंगा जल से धुलवाया। वो अगर पिछड़ी जाति में आते हैं, भले ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन उनका घर गंगा जल धुलवाते हैं, मंदिर जाने पर मंदिर धुलवाते हैं। आप एहसास कराते हैं, एहसास है कमतरी कि अगर आप दलित हो तो दलित की तरह रहो, अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी की तरह रहो। ये सबसे बड़ा चैलेंज आरएसएस को आइडियोलॉजिकली मिलता है। और जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, मानववादी पॉलिटिक्स है, उसमें कबीर हैं, रैदास हैं, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, अंबेडकर, फूले पेरियार, एक मानवीय बोध का फिलॉसफी है। विपक्ष ने इस मानवीय बोध वाली फिलॉसफी को पकड़ लिया, हिस्सेदारी का सवाल पूछ लेती है और उन सवालों पर राजनीति विपक्ष कर रहा है। अग्निवीर, पेपर लीक, किसानों का कर्जा, ये विपक्ष के मुद्दे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को इन सब में से किसी की आदत नहीं रही है। वो पार्टी में भी एक छत्र अकेले रहते हैं, उनके बगल में कोई गडकरी आए और थोड़ा सा एक दो बयान दे तो द्वारिका कॉरिडोर का मामला खुल जाता है, फिर वो पता नहीं इतने परेशान हो जाते हैं कि अब बोलना बंद कर देते हैं। उनके आसपास कोई भी बोलने वाला रहे, कब वो मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, कब वो पार्टी में मार्गदर्शक मंडल में चला गया, उनके 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 उनसे नाइत्तेफाकी रख करके आप उनके साथ नहीं सांस ले सकते। अब विपक्ष इतना ताकतवर सामने आया है कि राहुल गांधी का एक भाषण इतना भारी पड़ा कि दो बार खुद खड़ा होकर के इशारा करना पड़ा, ये पूरे हिंदू समाज का अपमान किया गया है, ये गंभीर बात है। नहीं साहब, आपकी गलत फहमी है कि आप अपने को हिंदू समाज का पर्याय बना चुके हैं। वो जो हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। ये इस देश में सूफियों की परंपरा, संतों की परंपरा रही है जो जानती है कि पाखंड अंधविश्वास, ये सदन के भीतर हो रहा है। अखिलेश यादव खड़े होते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र ने एक तंत्र बनने से रोक लिया इस देश को, और मैं मतदाताओं का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस देश को तानाशाही रास्ते में जाने पर बचा लिया, और ये देखो अयोध्या से एक मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। सांप्रदायिकता के रथ को रोकने के लिए एक अयोध्या काफी है। और भाई वो खड़े हो जाते हैं, अवधेश प्रसाद जी हाथ जोड़ करके दो बार घूम जाते हैं, पूरा विपक्ष, पूरा सत्ता पक्ष केवल अवधेश जी का चेहरा देख करके सदमे से नहीं उबर पा रहा है। ये हाल हो गया, एक दलित दलित समाज का आदमी है, वो सामान्य सीट पर लड़े और अखिलेश यादव के पीडीए ने उसे जिता दिया। राहुल गांधी ने कहा नमस्कार, उन्होंने कहा यहां से शुरू करते हैं, और नमस्कार और शाबाश। ये तो मोदी जी को इनमें से किसी चीज की आदत नहीं है, इसलिए वो लाचारी, बेबसी, चुटकुलों में उभर के आ गई। क्या शोभा देता है, चुटकुला सुना रहे हैं आप, बाल बुद्धि, बाल बुद्धि किस बात के लिए? कोई भी देश का सामान्य विवेक संपन्न व्यक्ति होगा तो यह सवाल जरूर कहेगा कि बीजेपी हिंसा और नफरत फैलाती है हिंदू का नाम लेकर, वाक्य ये बोला गया, और प्रधानमंत्री इसको फैला रहे हैं अपने अपने सो कॉल्ड जो ट्रोल ट्रोल आर्मी से कि पूरे हिंदू समाज का अपमान हो गया। अब इम्तिहान इस देश का है, क्या देश को इन दो वाक्यों के बीच राजनीति का फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो ये बात, दूसरी बात कि मुद्दे पर जवाब है नहीं, मणिपुर पर जवाब है नहीं, महंगाई पर जवाब है नहीं, जाति जनगणना करानी नहीं है, पेपर लीक रोक नहीं पा रहे, सरकारें फेल हो रही हैं, अहंकार चूर हो गया अयोध्या से लेकर इलाहाबाद तक में, हर जगह। इसलिए अब बचा क्या है, एक झूठा आत्मविश्वास। 100 साल पुराने इतिहास को बार बार याद करना कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया कांग्रेस ने, आप क्या कर रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर के विचार के खिलाफ अगर इस देश में कोई है तो वो आरएसएस और बीजेपी है।
माथे से संविधान आपने भी लगाया और दूसरे ने संविधान हाथ में लेकर शपथ दे दी तो माथे पर लेकर नाच रहे हैं, ये भाषा प्रधानमंत्री की होगी कि संविधान हाथ में लेकर नाच रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? ये इसलिए अब मुझे लग रहा है आखिरी मेरा कंक्लूजन ये दिखता है, जनता के मुद्दों को विपक्ष ने जो पकड़ा है वो सबसे ताकतवर और इस देश के लिए खूबसूरत चीज है। नंबर एक, विपक्ष ताकतवर हुआ है और सच और मानवता के पक्ष में है, जनता के मुद्दों के पक्ष में है। नंबर दो, इन दोनों को मोदी जी और बीजेपी झेल नहीं पा रही और न झेल पाएगी। अब ये अच्छा एक एक छोटा सा चूंकि इस बात को समझे, एक लोकसभा अध्यक्ष बिठाया गया और एक है राज्यसभा में सभापति। सभापति बेचारा भूल जाते हैं कि वो आरएसएस के कैडर बन के वहां नहीं बैठे, लेकिन अब सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, अब बोल पड़ते हैं कि मैं भी आरएसएस का कैडर रहा हूं, एक मानववादी संगठन। यही तो हम कह रहे हैं कि देश भर में हर बड़ी कुर्सी पर आरएसएस का कैडर भर दिया गया जो इस लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है, और वो एक पक्ष ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष, अब तो लोग सोशल मीडिया पर देखो, अब आपने इस्तेमाल किया तो अच्छा लगता है, अब तो लोग देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तो केवल झुकते नहीं है, मुस्कुराते हैं, और जब विपक्ष की तरफ देखते हैं तो वो गुस्से से बन जाते हैं। अब ये देश की जनता भी देख रही है, तो मोदी जी को कतई इस बात की आदत ही नहीं रही है कि कोई ताकतवर विपक्ष हो। अब ये खूबसूरत हुआ इस देश के लिए कि एक ताकतवर विपक्ष आया है, तो बहुत दिन चुटकुलों से अतीत की गलतियों को याद दिलाने से कोटा पूरा होने वाला नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी सदन चलेगा बीजेपी के और भी बुरे दिन आने वाले हैं, बशर्ते विपक्ष पूरी तैयारी के साथ ऐसे ही अपने जनता के मुद्दों पर खड़े हैं। जी शुक्रिया। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव, विपक्ष के सामने भी चुनौतियां हैं, विपक्ष के सामने चुनौतियां ये हैं कि वो कैसे क्रेडिबल बने रहे लोगों के सामने, वो कैसे लोगों को ये यकीन दिलाते रहे कि आपके जो मुद्दे जो दबाए गए उन सबकी आवाज विपक्ष के तौर पर हम बनकर सामने आते रहेंगे और सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घुटनों पर लाएंगे। क्योंकि देखिए अभी 240 है बीजेपी के पास नंबर, लेकिन आपको भी पता है और हम सबको पता है कि जिस तरह की उनकी तमाम कारकर्दगियां रही हैं, वो ये चाहेंगे कि वो 272 जल्दी से जल्दी कर ले ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे, ताकि मोदी जी को इस तरह से जवाबदेह ना बनाया जा सके, ताकि मोदी जी फिर से मोदी मोदी के गुणगान कर सके, ताकि मोदी जी फिर से कहें मोदी की गारंटी है, ताकि मोदी जी फिर से कहें एक अकेला सब पर भारी है, 56 इंच हिंदू हृदय सम्राट, जो तमाम अल्फाज अभी उनके मुंह में आके हलक में चले जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, वो बाहर लाने के लिए जो उत्सुक हुए हैं वो सब चाहेंगे। ऐसे में विपक्ष के पास चुनौतियों के अंबार हैं, अपने नंबर को इंटैक्ट रखना, अपनी पार्टियों को इंटैक्ट रखना, उसके साथ साथ ये भी अपॉर्चुनिटी देखना कि क्या अगर टीडीपी और जेडीयू, खासतौर पे जेडीयू बहुत विचलित नजर आ रही है, गवर्नर से मुलाकात भी की है नीतीश कुमार ने, एक उन्होंने यहाँ पर जब कार्यकारिणी की बैठक की तब उन्होंने एक लंबी फहरिस्त भी दी है सरकार को, ये भी कहा कि हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी कि हमें ये सब कुछ दिया जाए। ऐसे में ये भी देखना कि क्या कोई प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं कि जिससे हमें सरकार बनाने का मौका एक बार मिल जाए। तो इन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ वो मीडिया तमाम, बीजेपी आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी, और आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने पूरी छूट दी हुई है तमाम एजेंसीज को खुलकर काम करने की कि वो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसे। वो एक लफ्ज लगाना भूल गए जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो ये लफ्ज लगाना भूल गए क्योंकि लगातार हमने 10 साल में देखा कि किसके ऊपर नकेल कसी गई है। इन सबको आप कैसे देख रहे हैं और आने वाला वक्त विपक्ष के लिए कैसा है, कितना चुनौतियों भरा है? जी, ये जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर केवल सीटों की संख्या बढ़ करके जो एक मौका मिला है उससे ज्यादा ये जिम्मेदारी मिली हुई है, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। और विपक्ष जितना इस जिम्मेदारी को गंभीरता से उठाएगा, विपक्ष जनता के बीच जितना ज्यादा सक्रिय रहेगा, केवल सदन में नहीं सड़क पर भी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा बेलगाम हो जाती है, तो सदन के भीतर तो विपक्ष ने अपना तेवर दिखाया जो तो बहुत काबिले तारीफ है, अच्छा है। सरोकारी विषय पर जैसे राहुल गांधी ने इस हिंदुत्व के नैरेटिव पर चोट की तो एक नैरेटिव सेट किया गया, थोड़ी तैयारी और रखनी थी कि उसको दुरुपयोग उसका ना हो, उस क्योंकि बीजेपी तो तैयार है, वो आपके सकारात्मक या सवालों पर कभी बात नहीं करेंगे, वो मौका ढूंढेंगे
कहां सवाल पूछने वाले को ही घेर लिया जाए ताकि सवाल पर देश में चर्चा ही ना हो, वो बार बार यही करेंगे। इसलिए उसकी तैयारी और बेहतर होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने जैसे ईवीएम वाली बात की, वो बहुत शानदार है, जिस पर देश में बहुत कम बात हुई। वो बात इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि हम जीत के आए फिर भी ईवीएम पर यकीन हमें नहीं है, और हम 80 के 80 सीटें जीत जाएं तब भी हम ईवीएम पर यकीन नहीं करेंगे। हम ईवीएम से जीत कर आएंगे और उसके बाद ईवीएम हटाएंगे। ये एक बहुत बहुत गजब का एक मील का पत्थर विषय है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अब ये वो मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी घिर जाएगी। ये हमेशा के एक एक बहुत थ्योरेटिकल मुद्दे हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम, कास्ट सेंसस, सामाजिक न्याय के सवाल, विपक्ष इन पर खूब तैयारी करके अपनी बातों को रखे और काम करे सदन के भीतर। सड़क पर जा करके अब विपक्ष को और ताकत के साथ सत्ता पक्ष को घेरना होगा, क्योंकि मीडिया, अब मैं कई बार ट्विटर जब देखता हूं तो ट्विटर तो एक निजी स्पेस होता है ना, हर पत्रकार का, हम लोगों का भी, सबका, सोशल मीडिया हमारा है। हम जैसे यहां पर मैं मान लीजिए मैं किसी टीवी चैनल का एंकर हूं, तो चैनल का एंकर होने के नाते एक बार जावेद अख्तर ने बहुत अच्छा एक एंकर को समझाया था, हालांकि वो बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता था, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो सिल यानी पत्थर पर रस्सी से निशान तो पड़ सकता है, लेकिन आप इस देश के टीवी एंकरों को सुधार दें, संभाल दें, या उनको गलती का एहसास करा दें, यह असंभव है। और ये कोशिश कई कई बार की गई। एक बार अखिलेश यादव ने एक टीवी एंकर को ईमानदार 2-3 बार बोल दिया, वो नाराज हो गई कि हम खुद ही अपने को ईमानदार नहीं मानते, आप क्यों बार बार ईमानदार बोल रहे हो। ये हालत टीवी चैनलों की। तो मैं जब एक चीज देखता हूं, जैसे मैं अभी आप बातचीत हो रही थी तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा, जब भी बीजेपी का कोई स्टैंड होगा किसी मुद्दे पर, बीजेपी जिस भाषा में जवाब देगी, बीजेपी जिस नैरेटिव पर बात करेगी, 99% ये टीवी एंकर उसी भाषा में अपना निजी ट्वीट करेंगे, वो अपना सोशल मीडिया एक्सप्रेशन करेंगे। अव्वल तो ये कि मोदी जी कहेंगे इंडिया अलायंस, तो न्यूट्रल सेंट्रल बैठे हुए पत्रकार भी इंडिया अलायंस बोलेंगे। तो ऐसी मीडिया जब आपके सामने चुनौती बन के खड़ी हो, जो मीडिया जनता के खिलाफ खड़ी हो, विपक्ष को अब इसका भी अंदाजा रहेगा कि वो मीडिया आपके मुद्दों को नहीं उठाएगी, वो आपकी छवि को खराब करेगी, वो आपके नकारात्मक खबरों को दिखाएगी, वो आपके सवालों पर कभी बात नहीं करेगी। तो जो जिम्मेदारी की आपने बात की, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए विपक्ष के पास दो रास्ते होते हैं किसी भी दौर में लोकतंत्र, संसद और सड़क, जहां पर वो लड़ते हुए नजर आते हैं। वो लड़ते हैं कि हम जनता की आवाज हैं, वो लड़ते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए आपके सामने खड़े हैं, और हम सबूत दे रहे हैं कि कैसे आप संविधान विरोधी हो, कैसे आप देश में मानवता विरोधी हो, न्याय विरोधी हो। ये एक तैयारी संसद और सड़क दोनों पर एक विपक्ष के नेता को करनी होती है। और दूसरी, इस संघर्ष की तैयारी विचारधारा के आधार पर की जाती है, जनता के बीच जाकर की जाती है, जनता को ट्रेंड किया जाता है, जनता को जागरूक किया जाता है, जनता को गोलबंद किया जाता है। सत्ता पक्ष जनता को बांटेगी, विपक्ष जनता को जोड़े। सत्ता पक्ष असली मुद्दों से भटकाएगी, विपक्ष जनता को असली मुद्दों पर गोलबंद करे, तब सड़क के संघर्ष और मजबूत होंगे। छोटी जैसे एक गोलबंदी बनी हुई ना, जैसे बहुत अच्छा राहुल गांधी ने कहा इंडिया अलायंस आपको गुजरात हराएगा। अब ये सब सुन के मोदी जी को रात भर नींद नहीं आई होगी। अब वो सोचे होंगे करें तो करें क्या, खुल करके वो कहते हैं अवतार हुआ है, एक दिन परमात्मा ने एक क्लिक खटाक से किया कि नोटबंदी कर दो 8 बजे। अब ये वो हमले थे जो मोदी जी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब अखिलेश यादव ने खड़े होकर के कहा कि मैं अयोध्या से एक पैगाम ले आया हूं, और बगल में अवधेश प्रसाद खड़े हो गए। अब ये मोदी जी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि जिस अयोध्या पर पूरी पॉलिटिक्स हुई, वहीं अयोध्या के अवधेश प्रसाद खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई आपकी, मोदी जी आपकी 6 महीने पहले बनाई हुई दीवार एक बारिश में गिर गई, मोदी जी आपका राम पथ एक बारिश में इतने गड्ढे हो गए, मोदी जी वहां किसानों का जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, अयोध्या के किसानों की जमीन कौड़ी के भाव बिक रही, मोदी जी वहां कीचड़ भरा है अयोध्या में राम मंदिर के, अब कैसे ये सब झेले। तो ये ताकत इन लोगों ने दिखाई। अब एक आखिरी बात, विपक्ष को पता है कि सारी लड़ाई विमर्श की, नैरेटिव की, विचारधारा की, विचारधारा पर अडिग रहना होगा। अखिलेश यादव अगर पीडीए की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं,
पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो संविधान की बात करता है। ये नैरेटिव तो देखिए सेट हो गया। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि एक इंच भी इस नैरेटिव से पीछे ना आए। अब चलिए गांव गांव सम्मेलन करिए, संविधान सम्मेलन, गांव गांव चल के लोगों को जागरूक करिए कि संविधान नहीं रहेगा तो क्या नहीं रहेगा, और कैसे संविधान के रहते हुए संविधान को कमजोर किया जा रहा है, कैसे ईडी सीबीआई जैसे मैं ट्रेंड करना होगा हमें अपने समाज को। ये सब बाबा लोग क्या करते हैं, मैं चूंकि हाथरस की बहुत दुखद घटना हुई है और लापरवाही है सरकार की इस देश में। सरकार को पता होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, और ये पूरी तरह सरकार की लापरवाही है। लेकिन पता है जिस देश में ना गरीबी, भुखमरी, बेकारी, अशिक्षा, अंधविश्वास होता है, वहां ऐसे लोगों के चीजें बहुत ज्यादा फैल जाती है। तो सरकार, राजनीति, इनकी जिम्मेदारी होती है कि जनता को जागरूक करे, जनता को सजग करे अपने अधिकारों के प्रति, अपने अधिकार जो छीने जा रहे हैं इनसे गोलबंद करे। समाज का दीर्घकालिक फायदा इसमें है, समाज का दीर्घकालिक जी फायदा अपने विपक्षी नेता को बाल बुद्धि कहकर नहीं है, इससे देश का भला नहीं है। देश का भला अग्निवीर पर उठाए गए सवालों के जवाब में देश कमजोर हो जाएगा ये कहने से नहीं होगा। हिंदू होने के नाम पर नफरत और हिंसा फैलाकर क्या इस देश में लिंचिंग, हम जब आप और हम बात कर रहे हैं, क्या झारखंड में एक मुसलमान के लिंचिंग करके पिछले 24 घंटे में नहीं मार दिया गया? क्या अलीगढ़ में नहीं मुसलमान मारा गया केवल मुसलमान होने के नाते? क्या इस देश में दलित और पिछड़ों पर हक मारी नॉट फाउंड सुटेबल आज भी देश के विश्वविद्यालयों में हो रहा है? अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, तो आपकी सीट नॉट फाउंड सुटेबल। तो कितने तरह के हमले इस देश की जनता पर हो रहे हैं। अच्छा और खूबसूरत भारत तब बनेगा जब उन सवालों पर बात होगी जो जनता के सवाल है। विपक्ष के जिम्मेदारी पर आपने सवाल किया, तो मैं कंक्लूजन में यही कहता हूं, विपक्ष के जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। उसे जनता को गोलबंद भी रखना है, एकजुट रखना है, अपने सवालों पर जागरूक करना है। जनता के बीच पूरे टाइम विपक्ष रहे, विपक्ष पूरे टाइम जनता के बीच रहे, और जैसे ही सदन चले फिर से पूरी तैयारी के साथ आए। फिर चाहे कितना भी नीतीश जी हैं, आपने सवाल में एक चीज जोड़ी थी, अब एक तरफ पीर है बिहार का और तमिलनाडु की साइकिल है, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि पीर साइकिल पर बैठकर फरार होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि तो चार चार प्रस्ताव पारित किए हैं नीतीश कुमार ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण पर जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना, और इतने मुद्दों पर बीजेपी घिर जाएगी, बीजेपी का जवाब नहीं होगा। तो अंतिम विकल्प बचा है कि सब सांसदों, विधायकों, सांसदों को तोड़ करके 272 का आंकड़ा पूरा कर लिया जाए, तो राष्ट्र के हित में ये भी किया जाएगा। धर्म के बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए सांसदों को तोड़ा जाएगा, और इसलिए जनता और विपक्ष दोनों को जागरूक रहना होगा और सजग रहना होगा। इसी से मुझे उम्मीद है। शुक्रिया। बिल्कुल।